कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेश, हाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन के बारे में। डेट है 23 मार्च, चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 12:31 तक रहेगा। शुभ समय जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं उसकी बात करें तो आज 12:03 से 12:52 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो प्रातः 7:52 से 9:24 तक राहु काल चलेगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो इससे बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ आपको मुख रखकर नहीं करना है। तो यह तो हमने आपको जानकारी दी आज के पंचांग के बारे में, अब आपको बताएंगे कि आज का दिन जो है सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बहुत सारा थैंक यू आप सभी को, आपका प्यार लगातार हम ऐसे ही मिलते रह रहा है, आप अपना प्यार बनाए रखें। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ज्योतिष की छोटी से बड़ी हर जानकारी अपने वीडियोज़ के द्वारा देते रहें। चलिए, यह राशिफल जो है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करें, वो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है चंद्र राशि कैलकुलेटर का, उस पर क्लिक करें। वहां आपको बस अपनी सही सही बर्थ डिटेल्स भरने हैं, उस बर्थ डिटेल्स को भरने के बाद आप जो है पा सकते हैं अपनी चंद्र राशि, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.astrosage.com, या फिर हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों तीनों जगहों से आप पा सकते हैं अपनी जो है चंद्र राशि। बाकी हमने आपकी सुविधा के लिए ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना शुरू किया है, क्योंकि हमारे एक रेगुलर व्यूअर ने ये चीज़ कमेंट की थी और उन्होंने कहा था स्पेशली कि ये बहुत इनके उनको थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है उनके लिए वेबसाइट पर जाना, तो इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहां आप पा सकते हैं अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक ज्योतिष पर आधारित आपके राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे पहली राशि यानी राशि चक्र की, जो पहली राशि होती है एरीज, मेष राशि वाले ध्यान से सुने। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। घर की जरूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं जिससे आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। आज उस रिश्तेदार को देखने जाएं जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानियों भरा हो सकता है। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में आज आगे बढ़ेंगे और जो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी आज वो कंप्लीट होने की तरफ आगे एक स्टेप बढ़ेंगी। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। उपाय की बात करें तो सलाह देना चाहेंगे कि आज के दिन को और बेहतरीन बनाना है तो कांसे के गोल टुकड़े को हरे कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लें। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि की। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव आज सतह पर आ जाएगा और आप फिर से शरारती मनोदशा में होंगे। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा भी हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, इसीलिए थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें क्योंकि इन सब चीजों में आपका आज अच्छा खासा धन भी खर्च हो सकता है। परिवार के सदस्य कई चीजों की मांग कर सकते हैं और उनकी मांग अगर जायज है तो जरूर उसे पूरा करें, नहीं तो इसकी वजह से भी पारिवारिक जो जीवन में है वो कलेश हो सकता है। आपका रूमानी संबंध आज थोड़ी परेशानी भरा हो सकता है। सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं लेकिन फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आपका जीवन साथी अपने दोस्तों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो सकता है जिसके चलते आपके उदास होने की संभावना है। उपाय की बात करें तो सलाह देना चाहेंगे कि आज सुबह शाम और रात को धीरे धीरे शांत मन से जो है ओम का 28 से 108 बार उच्चारण करें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। मिथुन राशि वाले अब ध्यान से सुने, आपकी बारी है। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में आज सहभागिता करें, इससे आपको मस्तिष्क आपका शांत होगा। जीवन साथी से पैसे से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आज बहस होने की आशंका है तो कोशिश करें कि इस बहस से जितना बच सकते हैं बचें। हो सकता है कि फिजूल खर्ची पर आपका जीवन साथी आपको लेक्चर दे और अगर बहस में पड़ते हैं तो ये चीज़ें लड़ाई की ओर रुख ले सकती हैं, तो आज अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लेना है आपको और बहस अगर हो भी रही तो आपको उस पर कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं करनी है। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार बात जो है समय बीतेगा, बातचीत हो सकती है,
पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। साझेदारी के लिए भी अच्छे मौके हैं, लेकिन भली भांति सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में जाया हो सकता है। आज मैरिड लाइफ में हंसी खुशी प्यार और उल्लास रहेगा, काफी अच्छा दिन बीतेगा आपका पति पत्नी का। वही गृहिणियों की बात करें तो काम की अधिकता आज आपके ऊपर रह सकती है और इसकी वजह से शारीरिक थकान आपको हो सकती है, जो आपको दिन के उत्तरार्ध में फील होगा। छात्रों के लिए दिन बेहतरीन है। उपाय के तौर पर सलाह देंगे कि अपने इष्ट देव को आज पीले पुष्प चढ़ाएं। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी चौथी राशि की, यानी कैंसर वालों की। आज के दिन कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करके करेंगे, और यह बात आप भली भांति जान लें, नहीं तो आपको आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से आज का दिन अच्छा है। आपका महबूब आज आपको बड़ी खूबसूरती से कुछ खास करके चौंका सकता है। व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। वक्त के साथ चलना आपके लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही आपको यह समझना भी जरूरी है कि कभी आपके पास खाली समय हो अपने करीबियों के साथ उसे बिताएं। आज आपका आपस में कुछ ज्यादा ही जो है आपके पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम आपके वैवाहिक जीवन के पे जो है नकारात्मक असर डाल सकते हैं। उपाय की बात करें, सलाह देंगे कि उगते हुए सूर्य को देखकर 11 बार ओम का उच्चारण करें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वालों की बात करते हैं। आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरीके से जिएंगे। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं, ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आज किसी ऐसे इंसान से भी मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। कार्य क्षेत्र में हालात आपके पक्ष में रुख करते मालूम होंगे। कई कामों को छोड़कर आज आप अपने पसंदीदा कामों को करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रोमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर से जी पाएंगे। गृहिणियां जो है आज थोड़े ज्यादा ही पैसे खर्च कर सकती हैं, जिसकी चिंता उन्हें रात के समय होगी। उपाय के तौर पर अपने इष्ट देव की पूजा करें। आज शुभ अंक है आपके लिए 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि वालों की। मुमकिन है कि आपको आज किसी अंग में दर्द या तनाव से जुड़ी कोई समस्या का सामना करना पड़े, यानी सेहत के लिए दिन उतना अच्छा नहीं है। पैसों की बात करें, आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसे उधार नहीं देने चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। पुरखों की जायदाद की खबर पूरे परिवार के लिए आज खुशी ला सकती है, यानी प्रॉपर्टी आदि मिल सकती है आपको। लव पार्टनर के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं तो ये उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से एक होगा। हो सकता है आज कुछ लोग प्लानिंग भी करें आने वाले समय में अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की। एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी अरसे से काम कर रहे थे टल सकता है। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि से आपको नई जानकारियां आज मिल सकती हैं। जीवन साथी के साथ हंसी मजाक छेड़छाड़ आपको शादी के स्टार्टिंग के टाइम में की याद दिला देगा, और आज आप बहुत अच्छा दिन बिताएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जिस राशि की गृहिणियां हैं, आज अपने बच्चों को डांटने से आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, उन्हें प्यार से समझाएं ना कि उन्हें डांटें, क्योंकि इससे तनाव आपको होने वाला है। उपाय के तौर पर सलाह देंगे कि बड़ के पेड़ पर जो है दूध चढ़ाएं और फिर गीली हुई मिट्टी से तिलक करें। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि की। अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आज आपका दिमाग खुला रहेगा, यानी दिमागी तौर पर आज आप काफी एक्टिव रहेंगे। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो अतिरिक्त धन कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिहाज से दिन अच्छा है। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता काफी मानसिक दबाव पैदा कर सकती है। अपने प्रिय की ईमानदारी पर आज बिल्कुल भी शक ना करें, नहीं तो हो सकता है इससे रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाए, और आप दोनों के जो है इसकी आपकी एक शक करने की हरकत की वजह से आपका प्रिय जो है आपसे थोड़ा दूर चला जाए। अगर आप खुद को पेशेवराना अंदाज में औरों के सामने रखेंगे तो करियर में जो है बदलाव के नजरिए से यह लाभदायक साबित हो सकता है। मुमकिन है कि आज आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आज जीवन साथी अपने सारे मनमुटाव भुलाएगा और फिर प्यार के साथ आपके पास आएगा। आज का जीवन जो है आपका
मैरिड लिहाज से बहुत अच्छा है, शादीशुदा जो है लोगों का जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। जो छात्र हैं आज थोड़ा सोच समझ कर चले, नहीं तो हो सकता है आज अपने गुरुओं के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। उपाय के तौर पर सलाह देना चाहेंगे कि आज किसी बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श करें। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। आज आप खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे, लेकिन काम का बोझ आप में खिंच पैदा करेगा। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से भी होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। किसी ऐसे के साथ परस्पर संवाद की कमी जिसका आपको बहुत ख्याल है आपको तनाव दे सकती है। प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। किसी साझेदारी वाले व्यवसाय में जाने से आज बचें, क्योंकि मुमकिन है कि भागीदार आपका बेवजह फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आज आपकी सहायता भी कर सकता है। आज आप एक बार फिर समय में पीछे जाएंगे, शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस करेंगे। इस राशि के जो छात्र हैं, आज हो सकता है कि आपको कुछ अपने पढ़ाई रिलेटेड या अपने करियर रिलेटेड, अपने जो है फ्यूचर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिले। उपाय के तौर पर सलाह देंगे कि आज के दिन जो है सुबह शाम और रात को धीरे धीरे और शांत मन से ओम का 28 से 108 बार उच्चारण करें। शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि वालों की। गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते समय खास ख्याल आज रखने की जरूरत है। अगर संभव हो तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो धूम्रपान करते हैं, क्योंकि इससे पैदा होने वाले शिशु को नुकसान हो सकता है। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। दोस्त और करीबी लोग मदद के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। सावधान रहें, क्योंकि प्यार में पड़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। कार्य क्षेत्र में हालात आपके पक्ष में रुख करते मालूम होंगे। ऑफिस से जल्दी घर जाने का प्लान आज आप ऑफिस पहुंचकर ही कर सकते हैं। घर पहुंचकर आप मूवी देखने या किसी पार्क में परिवार के लोगों के साथ जाने का प्लान बना सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए आज काफी वक्त मिलेगा, लेकिन सेहत गड़बड़ हो सकती है। उपाय के तौर पर गरीब कन्याओं में आज कुछ जो है वस्तु भेंट करें, उन्हें जो है ना बांट दें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। मकर राशि की बात कर लेते हैं। क्षणिक गुस्सा विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप हानि को भी मुनाफे में बदल सकते हैं। घरेलू कामकाज आपको आज ज्यादातर वक्त जो है व्यस्त रखेंगे। वहीं एकतरफा प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। वरिष्ठ से आपको पदोन्नति या लंबे वक्त से लटके किसी काम के पूरे होने का तोहफा मिल सकता है। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने इसकी कभी कल्पना भी ना की हो। जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। उपाय की बात करें तो घर में इष्ट देव को पीला पुष्प अर्पित करें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि की। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। व्यापार में आज खास जो है अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां भी दे सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा आज, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा, तो लव लाइफ अच्छी बीतेगी। दिन की शुरुआत प्रिय के मुस्कान से होगी और रात उनके सपनों में ही ढलेगी। नौकरी बदलना मददगार साबित हो सकता है आपके करियर के लिए। आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नए क्षेत्र जैसे कि मार्केटिंग वगैरह में जा सकते हैं, जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके लिए आप किसी एक्सपीरियंस से सलाह ले सकते हैं। आपका संगी आपसे सिर्फ कुछ समय चाहता है, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पाते, जिससे वो खिन हो जाते हैं। आज उनकी यही खिन्नता स्पष्टता के साथ आपके सामने आ सकती है। आपका वैवाहिक जीवन इससे अधिक रंगों से भरा कभी नहीं रहा जितना आज रहेगा। गृहिणियों को अपनी सेहत का आज थोड़ा खास ख्याल रखना है। उपाय के तौर पर आज किसी भी कुत्ते को अगर काला है तो खासतौर पर सही रहेगा, रोटी खिलाएं। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि वालों की। खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करें, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी ही होती है। सिर्फ अकलमंदी से किया गया निवेश ही आज फलदायी होगा, इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर लगाएं। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करके आज आप हल्का महसूस करेंगे, लेकिन कई बार आप अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करके परेशानी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करेंगे आज आप। अपने वरिष्ठों को नजरअंदाज ऑफिस में ना करें,
दीर्घावधि के कामकाज के सिलसिले में आज आपके लिए यात्रा फायदेमंद होगी। वहीं जीवन साथी के साथ आप प्यार और रोमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर से जी पाएंगे। गृहिणियों के लिए आज दिन काफी अच्छा है। उपाय के तौर पर आज क्या करना है, किसी गरीब को कुछ पैसे दान में देने हैं। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा बृहस्पतिवार का दिन। सभी 12 राशि के जातकों के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, सिंपल उपाय जो आप करके अपने दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप पसंद आई है तो इसे फटाफट लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।